क्या करने वाले हैं। तो आज हम नॉइज फिट फ्यूजन का हाइब्रिड वॉच का अनबॉक्सिंग करेंगे और साथ में उसका कुछ फंक्शंस और रिव्यू भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ये जो आप देख पा रहे होंगे, इसे मैंने नॉइज के अपने वेबसाइट से मंगवाया है, मतलब कि नॉइज की वेबसाइट से मंगवाया है और ये लगभग मुझे 5 से 6 दिनों के अंदर ही डिलीवर्ड हो गया। तो चलिए सबसे पहले इसका हम अनबॉक्सिंग करते हैं और फिर इसके कुछ फंक्शंस के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बॉक्स को अगर आप देख पा रहे हैं तो काफी प्रीमियम डिजाइन इसकी लग रही है और ये जो है इसमें बहुत सारे फंक्शंस दे रखे हैं जिसका आप यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। आप इसे पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं इसमें क्या क्या सारे फंक्शंस हैं। तो इसमें आपको हम हर एक फंक्शंस जो भी फंक्शंस है उसके बारे में इसको पढ़कर बताएंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले इसकी डिजाइन की बात करें तो मैंने बता ही दिया कि ये काफ़ी प्रीमियम डिजाइन लग रही है। और चलिए इसको ओपन करते हैं फिर आगे की तरफ देखेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ये यूजर मैनुअल दिया गया है, इसे मैं साइड में रखता हूँ, इसे आप पढ़ सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं इसका फंक्शन। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये दिया गया हुआ है चार्जिंग पैड, जो कि मैग्नेटिक चार्जिंग पैड है। आप इसे डायरेक्ट आप घर आप वॉच को इसके ऊपर डायरेक्ट रख सकते हो और डायरेक्ट कनेक्ट करके आप इसे चला सकते हो। तो ये यूएसबी केबल है, मैं इसे भी अभी साइड रख दे रहा हूँ। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेदर की बेल्ट आपको मिल जाएगी, जो कि अगर आपको चेंज करनी है तो ये जो मैं मंगवाया है ये थोड़ा सा ब्राउन कलर का है और ये आपको ब्लैक कलर की मिल जाएगी। तो चलिए अब हम इसके वॉच की तरफ चलते हैं और इसका फीचर्स को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके ऐप को हटा दे रहा हूँ। तो अगर ये आप देखेंगे तो देख सकते हैं इसकी जो डिजाइन है काफी प्रीमियम डिजाइन है, काफी अच्छी डिजाइन है। इसका जो ये लेदर का जो बेल्ट दिया गया हुआ ये भी काफी अच्छी दिख रही है। तो हम सबसे पहले इसको खोल लेते हैं फिर देखते हैं। तो सबसे बड़ी खासियत जो है इस वॉच की जो खासियत है वो क्या है कि ये हाइब्रिड वॉच है, मतलब कि ये आपको डिजिटल फील भी देगी और एनालॉग फील भी देगी। मतलब कि आप इस वॉच को अगर आप चाहो तो डिजिटल मोड पे भी रख सकते हो, चला सकते हो, और इसे चाहोगे तो आप इसे एनालॉग मोड पे भी चला सकते हो। अगर देखें तो ये हार्ट रेट सेंसर है, मतलब कि सबसे बड़ा जो काम है इस वॉच का, आप इसके कारण जो अधिकतर लोग होते हैं वो अपने बॉडी के फिटनेस को मेंटेन करते हैं और डेली लाइफ में जो आपका जो डेली एक्टिविटीज है उसको ट्रैक करता है। तो ये जो सेंसर है ये काफ़ी काम करती है इसमें आपको डेली एक्टिविटी को ट्रैक करने में। तो चलिए अब हम इसे ओपन करके देखते हैं क्योंकि इसका डिज़ाइन तो आप देख ही चुके हो, काफ़ी प्रीमियम लग रही है। अगर इसे आप थोड़ी देर तक इसे बटन को अगर आप प्रेस करके रखते हो तो ये ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए ये QR कोड इस पर डिस्प्ले हो रहा है जिसे आप अपने मोबाइल में स्कैन करके या डायरेक्ट उस कार्ड से स्कैन करके इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से आप इसे कंट्रोल कर सकते हो, ऐप से डायरेक्ट ही कंट्रोल कर सकते हो। तो अब यहाँ पे इसकी सीरियल नंबर है वॉच की। ओ, अब यहाँ देखो आप इसे प्रेस करके, ये बटन को प्रेस करके सबसे पहले तो आप ऐप को इंस्टॉल कर लेना मोबाइल में। उसके बाद क्या कर सकते हो, इसे कैलिब्रेट करके टाइम को सेट कर सकते हो। जब ऐप इंस्टॉल हो जाएगी तो आपको यहाँ पे मैं दिखा दूँ, अगर तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे एक्टिविटी, जो भी सारे आपके जो डेली के एक्टिविटीज़ है उसे ये ट्रैक कर सकता है, जैसे कि स्टेप्स हो गया, एक्टिविटी टाइम हो गया, डिस्टेंस, कैलोरी और स्लीप। अब हार्ट रेट को भी यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। तो क्या करना है सबसे पहले, और उसके बाद यहाँ क्या है, यहाँ से आप इसका वॉच फेस को भी बदल सकते हो। मतलब कि जैसे कि अगर आपको मान लो यहाँ पे ये वॉच फेस रखना है तो देख सकते हैं आप यहाँ पे बहुत सारी इंटरफेस प्रोवाइड करवाई गई है, जो यहाँ पे सिस्टम इंटरफेस है। आप चाहो तो इंडिपेंडेंस डे स्पेशल या बहुत सारे यहाँ पे ऑनलाइन
इंटरफेस है इसके, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे एक डाउनलोड किया, मैं इसे आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो देखो यहाँ चेंज हो गया। फिर अगर मैं चाहूँ तो ये जैसे सिस्टम इंटरफेस इसका है, तो मैं इसे लोड इसे तो यहाँ अब देख रहे हैं, जैसे जैसे मैं यहाँ पे जो भी मुझे इंटरफेस चाहिए वॉच की मैं वहाँ पे कर रहा हूँ और ये ऑटोमेटिक यहाँ पे भी सेव हो जा रहा है। तो आप यहाँ से ये कर सकते हो, डेली अपने एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हो। आपका जैसे कुछ गोल है उसे आप यहाँ पे कर सकते हो, जैसे कि आपका कोई भी गोल है तो आप यहाँ पे डाल दो और ये आप उसे यहाँ मेंशन कर सकते हो, आप यहाँ डाल सकते हो और फिर इसे आपका रैंकिंग बताएगा, वर्ल्ड में आपका क्या रैंकिंग है उसके आधार पर बताएगा। यहाँ पे सेटिंग्स है, आप यहाँ पे डिवाइस की सेटिंग कर सकते हो, ऑटो सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हो। आप ब्लूटूथ से अगर अभी कनेक्टेड हो, जैसे ऐप से आप कनेक्टेड रहोगे तो ये ब्लूटूथ से ही कनेक्टेड रहती है। फिर आप यहाँ से कैलिब्रेट कर सकते हो टाइम को, डिवाइस का यूनिट चेंज कर सकते हो, जैसे कि आपको क्या चीज में मीटर में आप अगर डिस्टेंस को नापना चाहते हो, मेजर करना चाहते हो, या किलोमीटर में आप जिसमें भी करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। कैमरा को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। तो ये तो रही मोबाइल से एप्लीकेशन की बात। अगर आप यहाँ अब यहाँ पे आ जाओ तो देख सकते हो ये जो है, देखो जैसे कि वो आपका डिस्प्ले था और इसे मैं चेंज कर दिया, तो यहाँ से मैंने ये अप्लाई कर दिया था उसमें, तो ये हो गया। उसके बाद अगर आप इसे क्लिक करते हो फिर से, ये आपका कुछ आपके नोट्स बताएंगे जो आप सेव कर रखे होगे, आप किसी का कैलेंडर में सेव कर रखे होगे, किसका बर्थडे कब है वो आपका बताएगा। फिर अगर आप चाहो तो यहाँ से फिर से आप यहाँ देखो, अगर इसे पीछे की तरफ थोड़ा सा मूव करोगे तो यहाँ आप देख सकते हो बहुत सारे चीज़, जैसे कि यहाँ पे आपका हार्ट रेट है, वहाँ पे ब्राइटनेस है, वेदर का है, जैसे कि आप यहाँ देखो ये वेदर का है। तो ये मुजफ्फरपुर में अभी क्लाउडी वेदर है वो बता रहा है, इससे आप बैक कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप चाहो तो इसे म्यूजिक साइलेंट मोड में रख सकते हो, वाइब्रेशन में रख सकते हो, या फिर साइलेंट कर सकते हो। यहाँ से ब्राइटनेस को यहाँ से बढ़ा घटा सकते हो, फिर यहाँ से अगर इससे बैक कर सकते हो। फिर अगर आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ से यहाँ पे आप अपने डेली ट्रैकिंग को यहाँ से डायरेक्टली ट्रैक कर सकते हो। अगर देखा जाए तो यहाँ पे सेटिंग्स है, आप सेटिंग्स में जाके यहाँ म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हो, या फिर सॉरी ये म्यूजिक को डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हो। नीचे सेटिंग में जाकर आप यहाँ पे टाइम को फिर से अगर सेट करना चाहो, या जो भी साउंड का है आप सेटिंग में जाके कुछ भी कर सकते हो। यहाँ से कैमरा को कंट्रोल कर सकते हो, अलार्म लगा सकते हो, और अगर करें तो यहाँ से डेली चीज़ों को ट्रैक कर सकते हो। कॉल को यहाँ पे डायरेक्टली आप यहाँ से ट्रैक कर, किसका कॉल आया नहीं आया वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये देखो यहाँ जैसे कि है स्टेप्स हो गए, ये किलोमीटर में आप कितने डिस्टेंस चले हो, आपका कैलोरी कितना बर्न हुआ है, कितना टाइम तक आप स्टॉपवॉच लगा सकते हो। तो ये सब है, बहुत सारे सिस्टम है। तो आप मेनली इस प्राइस में क्या चाहते हो, इस प्राइस में आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। अगर आपके मोबाइल पे कुछ नोटिफिकेशन आते हैं, मैसेज आते हैं, तो उसे जैसे कि ये अभी मैसेज आ रखे थे मेरे मोबाइल पे, तो ये सारे चीज़ पे आपको मिल जाएंगे। तो आगे करके आप आगे पीछे करके इसे देख सकते हो जो क्या क्या नोटिफिकेशन आ रखे हैं। फिर आप यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है जो ये हार्ट रेट को कर सकते हो। तो यहाँ से देखो जैसे कि ये आप देख सकते हो ये सेंसर लगा हुआ है, जिसे आप अगर अपने कलाई पे अगर बांधते हो यहाँ पे, तो आपका हार्ट रेट को ये मॉनिटर करेगा। थोड़ी देर में अगर मैं आपको दिखा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा हार्ट रेट को ये मेजर कर लिया और ये मुझे शो कर रहा है। तो ऐसे ही करके आपके हार्ट रेट को ये बार बार मेजर करके आपको नोटिफाई करते रहेगा कितना अभी है नहीं है। तो काफ़ी अच्छी है ये। सबसे बड़ी बात ये है कि आप इस रेंज में आपको इतने सारे फंक्शंस मिल रहे हैं, ड्यूअल हाइब्रिड मिल रहे हैं, जैसे कि आप एनालॉग रख सकते हो या डिजिटल भी इसे कर सकते हो। तो और अगर आप एनालॉग में रखते हो तो आपकी जो बैटरी लाइफ होगी वो थोड़ी कम चलेगी, पर अगर आप डिजिटल करके रखते हो तो ये बैटरी लाइफ काफ़ी 30 दिनों तक का ये क्लेम करती है कि 30 डेज तक की देती है। तो आप इसे कंपेयर तो नहीं कर सकते बल्कि वॉच से या सैमसंग के वॉच से या और सारे जो बहुत सारे कंपनी हैं जिसके वॉच से आप नहीं कर, क्योंकि उसके प्राइसेस भी बहुत सारे हाई होते हैं। तो इस प्राइस में ये काफ़ी बेहतरीन डील है,
आप इसे परचेज कर सकते हो। अगर आपको ये परचेज करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा। तो इसमें आपको थोड़ी सी शुरू में दिक्कत होगी, क्योंकि इसको सेटअप करने के लिए आप यूजर मैनुअल को पढ़ सकते हो, इसका यूजर मैनुअल है। आप इसे पढ़ोगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगी इसे कैसे करना है। तो क्योंकि मुझे भी दिक्कत हुई थी थोड़ी सी, मैं नहीं इसे कैलिब्रेट कर पा रहा था, तो पर जब मैंने इसे पढ़ा तो वो सही से मैं इसे कैलिब्रेट कर पाया। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही, आप बने रहें मेरे चैनल के साथ और मेरे साथ बाकी के आने वाले वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।